आज से 2 साल पहले दो इंसान को मारने की प्लानिंग किया जाता है, पहला सलमान खान और दूसरा सुखदेव सिंह शेखावत। सलमान खान तो नहीं, लेकिन सुखदेव सिंह शेखावत अब इस दुनिया में नहीं रहे। 5 दिसंबर 2023 के दिन सुखदेव सिंह शेखावत को उनके घर में घुसकर गोली मार दिया जाता है, और जब उनकी हत्या कर दिया जाता है उसके कुछ ही घंटों बाद एक फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया जाता है, जिस फेसबुक अकाउंट का नाम होता है रोहित गोदारा कपूरी। और उस फेसबुक अकाउंट से पोस्ट करके ये बताया जाता है कि ये हत्या कोई और नहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग किया है, और जो भी लॉरेंस का दुश्मन है वो अपना अर्थी अपने चौखट पे रखे, क्योंकि सबका नंबर आएगा, लॉरेंस किसी को नहीं छोड़ेगा। सुखदेव सिंह शेखावत और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में क्या मसला था, क्या लड़ाई था, क्या झगड़ा था, और झगड़ा लड़ाई का मुख्य कारण क्या था, और वो भी लड़ाई ऐसी कि सामने वाले की जान लेने के बाद थमती है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, एक एक गुत्थी को समझने की कोशिश किया जाएगा और दोनों के बीच क्या दुश्मनी थी, एक एक कड़ी को सुलझा कर समझाने की कोशिश किया जाएगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। सुखदेव सिंह शेखावत के घर के यानी दरवाजे पे एक स्कॉर्पियो रुकती है दोपहर, यानी कि 5 दिसंबर 2023 के दिन दोपहर में स्कॉर्पियो से एक इंसान निकलता है, कुछ गार्ड से बातें करता है, उसके बाद अंदर प्रवेश करता है और उसके बाद दो लोग और प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके जाते हैं तो सुखदेव सिंह शेखावत से बातें करते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, और फिर वही लोग सुखदेव सिंह शेखावत पे रिवॉल्वर तान देते हैं और दे दनादन 17 राउंड गोलियों की बरसात करके सुखदेव सिंह शेखावत को मौत की नींद सुला देते हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंसान सुखदेव सिंह शेखावत को मारा है वो इंसान कौन है, और आखिर सुखदेव सिंह शेखावत कौन है। सुखदेव सिंह शेखावत पंजाब से राजस्थान का एक सटा हुआ जिला है जिसका नाम है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में एक गांव आता है जिसका नाम है गोगामेढ़ी। गोगामेढ़ी के रहने वाले हैं सुखदेव सिंह शेखावत और उनके पिताजी का नाम है अचल सिंह शेखावत। अचल सिंह शेखावत के 3 पुत्र हैं जिनमें से मझले बेटे का नाम है सुखदेव सिंह शेखावत। उनके सुखदेव सिंह शेखावत के जो छोटे भाई थे आज से कुछ साल पहले बीमारी की वजह से उनकी मौत हो जाती है। सुखदेव सिंह शेखावत सामाजिक कार्य करने लगते हैं, सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व होने लगते हैं। उसी दरमियान उनकी मुलाकात हो जाती है लोकेश सिंह कालवी से, और उस समय लोकेश सिंह कालवी करणी सेना ज्वाइन किए हुए थे, तो सुखदेव सिंह शेखावत भी 2006 में करणी सेना ज्वाइन कर लेते हैं। करणी सेना ज्वाइन कर लेते हैं और 2008 में एक मूवी आती है जिसका नाम होता है जोधा अकबर। जोधा अकबर मूवी आती है और करणी सेना के कुछ लोग आके बताते हैं कि इस मूवी में हमारे देवी देवताओं के साथ मजाक किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। जब ये बात सुखदेव सिंह शेखावत को पता चलती है तो जगह जगह पे आंदोलन करने लगते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं, और आंदोलन प्रदर्शन के दौरान एक ऐसे भाषण देते हैं, ऐसे फ्राटेदार और जोश वाले जुनून वाले भाषण देते हैं कि ये भाषण लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और काफी ज्यादा लोगों के अंदर जोश और जुनून पैदा कर देता है। वहीं से सुखदेव सिंह शेखावत काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं, लोगों के दिल में एक जगह बना लेते हैं। लोकेंद्र सिंह शेखावत यानी कि उनके दोस्त सुखदेव सिंह शेखावत के करणी सेना में ही थे, लेकिन उन्हें लगने लगा कि करणी सेना में मुझे मान मर्यादा और प्रतिष्ठा उतना नहीं मिल रहा है जितना औरों को मिल रहा है। तो लोकेंद्र सिंह कालवी एक अलग सेना बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं राजपूत करणी सेना। वो खुद कालवी साहब अध्यक्ष बन जाते हैं और सुखदेव सिंह शेखावत को वहां के यानी कहे तो राजपूत करणी सेना के उपाध्यक्ष बना देते हैं। लेकिन उन दोनों में भी कुछ खास नहीं बन पाता है, कुछ अच्छा नहीं बन पाता है, इसीलिए सुखदेव सिंह शेखावत अपना एक अलग सेना बना लेते हैं और उनके सेना का नाम होता है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। सुखदेव सिंह शेखावत इस श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष बन जाते हैं, और अध्यक्ष बनने के कुछ साल बाद एक फिल्म आती है जिस फिल्म का नाम होता है पद्मावत, और उस फिल्म की शूटिंग हो रही होती है राजस्थान में, और उस फिल्म के डायरेक्टर होते हैं संजय लीला भंसाली। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कुछ लोग पहुंच जाते हैं सुखदेव सिंह शेखावत के पास और उनसे बोलते हैं कि एक फिल्म बनाया जा रहा है पद्मावत, जिसमें पद्मावती रानी के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, कहानी को इधर उधर दिखाने की
कोशिश किया जा रहा है तो राष्ट्रीय कर्णी सेना के अध्यक्ष यानी कहें तो सुखदेव सिंह शेखावत पहुंच जाते हैं शूटिंग स्थल, और वहां पे जाके जब मिलने की कोशिश करते हैं डायरेक्टर से तो वहां के जो गार्ड होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो बाउंसर होते हैं, वो जाने की अनुमति नहीं देते हैं। वहीं पे कर्णी सेना के लोग उग्र रूप धारण कर लेते हैं, मारपीट करने लगते हैं और जैसे तैसे संजय लीला भंसाली के पास पहुंच जाते हैं और वहां पे जाकर कुछ नहीं पूछते हैं और संजय लीला भंसाली को एक थप्पड़ जड़ देते हैं। उसके बाद से सुखदेव सिंह शेखावत और ज्यादा चर्चे में आ जाते हैं और ज्यादा उनका नाम हो जाता है, राजस्थान क्या पूरे भारत में उनका नाम गूंजने लगता है। सुखदेव सिंह शेखावत नाम से वो सुखदेव सिंह गोगा मेडी हो जाते हैं क्योंकि सुखदेव सिंह शेखावत का घर होता है, गांव होता है जिसका नाम होता है गोगा मेडी, और वहीं से उनका सरनेम मिल जाता है सुखदेव सिंह गोगा मेडी। वो काफी ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं, काफी ज्यादा लोगों में अपना एक वर्चस्व बना लेते हैं, कहें तो लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं क्योंकि वो हिंदू धर्म को लेके आगे बढ़ाते हैं, हिंदू धर्म की देवी देवताओं की सम्मान की बात करते हैं, इसीलिए युवा भी उनसे काफी ज्यादा जुटते जा रहे थे और सुखदेव सिंह गोगा मेडी का लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ते जा रहा था। ये तो हो गया कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी अपना वर्चस्व कैसे बनाए, लोगों के बीच में अपनी पहचान कैसे बनाए। अब जानने की कोशिश करेंगे कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी का लॉरेंस बिश्नोई से क्या था कनेक्शन, आखिर कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सुखदेव सिंह गोगा मेडी की दुश्मनी हो गई। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने ऐसा क्या कर दिया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग उनसे नाराज हो गए और लड़ाई ऐसी कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी को मौत की नींद सुला दिया गया। आज से कुछ साल पहले एक गैंगस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था आनंदपाल सिंह। आनंदपाल सिंह का पुलिस एनकाउंटर में मौत हो जाती है और आनंदपाल सिंह के जो गुर्गे होते हैं, जो गैंग होता है, वो टूट जाता है। जब आनंदपाल सिंह के मौत के बाद जब उनके गैंग तितर बितर हो जाता है, बिखर जाता है, तो आनंदपाल सिंह के कुछ गुंडे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का सहारा ले लेते हैं तो कुछ गुंडे सुखदेव सिंह के साथ रहने लगते हैं। जब सुखदेव सिंह गोगा मेडी के साथ आनंदपाल सिंह के कुछ गुंडे रहने लगते हैं और जब आनंदपाल सिंह पूरे राजस्थान में अपना वर्चस्व बना लेते हैं और उसी राजस्थान में जब लॉरेंस बिश्नोई के लोग जाते हैं किसी से रंगदारी मांगने, फिरौती मांगने, वसूली करने, तो उन्हें वसूली करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगता है क्योंकि सुखदेव सिंह गोगा मेडी का अपना एक अलग ही वर्चस्व, अलग ही पहचान, अलग ही स्वैग पूरे राजस्थान में बन चुका था। कहीं भी जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लोग तो उन्हें वसूली नहीं कर पाते थे, नहीं उन्हें कहीं से पैसा मिल पाता था, नहीं उनका वर्चस्व चल पा रहा था। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को लगा कि अब सुखदेव सिंह गोगा मेडी को रास्ते से हटाना होगा, तभी हम राजस्थान में वसूली कर पाएंगे, अपना वर्चस्व जमा पाएंगे और तभी राजस्थान में कुछ हम कर पाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई इस कार्य को करने के लिए अपने कॉलेज के दोस्त संपत नेहरा को ये कार्य सौंपता है। संपत नेहरा आज से 2 साल पहले सलमान खान और कहें तो सुखदेव सिंह गोगा मेडी को मारने की प्लानिंग करता है। जब सलमान खान को मारने के लिए वो मुंबई पहुंच जाता है और सलमान खान जब साइकिलिंग कर रहे होते हैं उस समय वो मारने की उन्हें कोशिश करता है, उससे पहले पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। सलमान खान को मारने में वो 2 बार नाकामयाब रहा तो लॉरेंस बिश्नोई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुमसे कोई कार्य नहीं हो सकता है, तुम ढंग का आदमी नहीं हो। तो संपत नेहरा को लगा कि अब मेरे गुरु के नजर में, अपने बॉस के नजर में मेरी बदनामी हो रही है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं बॉस के नजर में लगूं कि संपत नेहरा कोई चीज है और संपत नेहरा कोई भी कार्य करता है तो पूरी शिद्दत और पूरे लगन के साथ करता है। इसी कार्य को आगे बढ़ाने के संपत नेहरा आज से 1.5 साल पहले प्लानिंग करता है कि अब जैसे भी हो गोगा मेढी को अपने रास्ते से हटाना होगा, तभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग में मेरा वर्चस्व चल पाएगा, तभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग यानी लॉरेंस बिश्नोई के नजर में मैं अपने आप को बना पाऊंगा, अपने आप को दिखा पाऊंगा। जब संपत नेहरा जेल में गया हुआ था तो उसकी मुलाकात हो जाती है रोहित गोदारा से। रोहित गोदारा उस समय छोटी मोटी वारदात को अंजाम देता था,
चोरी डकैती करता था। रोहित गोदारा की जब मुलाकात संपत नेहरा से जेल के अंदर होती है तो संपत नेहरा उसकी मुलाकात करवा देते हैं लॉरेंस बिश्नोई से। लॉरेंस बिश्नोई से मिलने के बाद वो गोदारा काफी ज्यादा फेमस यानी कहें तो काफी ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई का फैन हो जाता है और लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ज्वाइन कर लेता है। जब गोदारा यानी कि रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ज्वाइन कर लेता है तो संपत नेहरा के कहने पर वो राजू टेट के दिन दहाड़े हत्या कर देता है। राजू डेट के जब दिन दहाड़े हत्या हो जाता है तो पूरा देश दहशत में आ जाता है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम काफी ज्यादा दहशत में आ जाता है। और वहीं से रोहित गोदारा इतना ज्यादा फेमस हो जाता है कि पुलिस वाले उस पे 1 लाख का इनामी रकम रख देते हैं और वहीं से वो फरार हो जाता है रोहित गोदारा और कनाडा में जाके इस गैंग को देखने लगता है और इस गैंग को चलाने लगता है। फिलहाल गोल्डी बरार भी कनाडा में ही बैठा हुआ है लेकिन कनाडा में दोनों बैठकर इंडिया में ऐसी ऐसी कई घटनाओं को वारदात और अंजाम दिलवा रहे हैं। कनाडा में बैठकर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार कनाडा में बैठे हुए हैं और लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है और जेल के अंदर से और कनाडा से ही प्लानिंग करके सुखदेव सिंह गोगा मेडी को अपने रास्ते से हटा देते हैं, इस दुनिया से अलविदा बुलवा देते हैं। होता कुछ ऐसा है कि इंडिया से ही भारत से ही 2 लोगों को बहाल किया जाता है और एक होता है एक्स आर्मी मैन का बेटा और दूसरा होता है जो आर्मी में तैनात होता है। जो एक्स आर्मी मैन का बेटा होता है उसका नाम होता है रोहित सिंह राठौर और दूसरा जो आर्मी मैन होता है उसका नाम होता है नितिन फौजी। नितिन फौजी आर्मी में जॉब कर रहा होता है और छुट्टी के दरमियान 1 महीने के छुट्टी के लिए वो घर पे आया हुआ होता है। जब वो घर पे आया हुआ होता है तो उससे मुलाकात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लोग। पूरा मामला क्या है अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है लेकिन नवीन अपने घर पे बताता है अपने पिताजी से कि मैं स्कॉर्पियो की सर्विसिंग कराने के लिए जा रहा हूं और वो 9 नवंबर 2023 को घर छोड़ देता है। यहां सोचने की बात यह है कि 9 नवंबर 2023 को नवीन घर छोड़ता है जिसने सुखदेव सिंह गोगा मेडी पे गोली चलाया। वो 9 नवंबर को घर छोड़ता है और यहां पे 5 दिसंबर 2023 को दोपहर में इस घटना को अंजाम दिया जाता है। सुखदेव सिंह गोगा मेडी एक बड़ा नाम है। आखिर सुखदेव सिंह गोगा मेडी तक पहुंचा कैसे जाएगा तो उनके ही एक आदमी का सहारा लिया जाता है जिसका नाम होता है नवीन शेखावत। नवीन शेखावत वो गनर होते हैं जो पहले सुखदेव सिंह शेखावत के घर काम किए हुए होते हैं। नवीन को सहारा लिया जाता है। नवीन को इस बात का भनक भी नहीं लगता है और नवीन को मोहरा बनाकर वो उनके घर लेके जाया जाता है, उनसे दोस्ती किया जाता है। फिर नवीन उसी स्कॉर्पियो से 5 दिसंबर 2023 के दिन सुखदेव सिंह शेखावत के द्वार पे यानी उनके गेट पे स्कॉर्पियो रुकती है। नवीन उस गाड़ी से निकलते हैं और बोलते हैं कि मैं नवीन हूं, जाके सुखदेव सिंह शेखावत से बोलो कि मैं उनसे मिलने आया हूं। वो पुराना गनर थे, गनर मैन थे, तो सुखदेव सिंह शेखावत बिना सोचे समझे बोलते हैं कि ठीक है, उन्हें अंदर बुला दिया जाए। वो गार्ड आकर बोलता है कि आप अंदर चले जाइए। नवीन अंदर जाते हैं, कुछ समय बात होता है, उसके बाद वो ये बोलते हैं कि एक लड़का है, उसकी शादी है, आपका बहुत बड़ा फैन है, वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपके लिए शादी का कार्ड लेकर आया है। वो बोलते हैं कि जब तुम्हारा जानकार है वो लड़का तो इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, उसे फौरन अंदर बुला लो। गार्ड जाते हैं और रोहित सिंह राठौर और नितिन फौजी को अंदर बुला लेते हैं और वो सामने बैठकर यानी सुखदेव सिंह शेखावत यानी सुखदेव सिंह गोगा मेडी के सामने बैठ जाते हैं। ये तीनों के वार्तालाप होने लगता है और वहीं पे एक गार्ड भी खड़ा होता है जिसका नाम होता है नरेंद्र। नरेंद्र वहीं पे गन लेके खड़ा हुआ होता है और इनके लिए चाय भी मंगवाते हैं सुखदेव सिंह शेखावत। ये चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर ये आम लोगों की तरह ही अपने अपने मोबाइल में मस्त हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, नितिन और रोहित सिंह राठौर के दिमाग में। दोनों आंखों में इशारा करते हैं और फिर उनके द्वारा दे दनादन गोलियों की बरसात सुखदेव सिंह शेखावत के ऊपर कर दी जाती है। उनके बगल में बैठे नवीन शेखावत कुछ समझ पाते तब तक वो दोनों लड़के नवीन को भी गोली मार देते हैं और उनके सिक्योरिटी गार्ड नरेंद्र कुमार को भी एक गोली मार दी जाती है। इस गोलीकांड में सुखदेव सिंह शेखावत को वहीं पे
मौत हो जाती है। और जो इंसान इन दोनों शूटर को बुला के लेके गए थे, यानी कहें तो सुखदेव सिंह शेखावत के घर, उस नवीन शेखावत को भी गोली लग जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। यहाँ सोचने की बात यह है कि सुखदेव सिंह शेखावत इतने बड़े सेलिब्रिटी थे, क्या उनके पास एक ही सिक्योरिटी गार्ड था? तो ये जान लीजिए कि उनके पास 3 सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन 2 सिक्योरिटी गार्ड घर गए हुए थे छुट्टी लेकर। जो गार्ड छुट्टी लेके अपने घर गए हुए थे, यहाँ ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या उन दोनों गार्डों को इस घटना का पहले से इंफॉर्मेशन था कि ऐसा कुछ घटना को अंजाम दिया जाएगा, इसीलिए वो छुट्टी लेके चले गए हैं? ये भी सवाल खड़ा हो जाता है। और यहाँ ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि इतने बड़े साम्राज्य होने के बावजूद भी, इतने बड़े सिक्योरिटी घेरे होने के बावजूद भी, वो 2 लड़के घर के अंदर घुसते हैं और सुखदेव सिंह शेखावत को गोली मारकर मौत की नींद सुलाकर वहां से फरार हो जाते हैं। जो गार्ड गेट पे खड़े हुए थे, जो अंदर नहीं आने दे रहे थे शुरुआती दौरान में, वो गार्ड भी गेट पे नजर नहीं आते हैं। जब ये दोनों लड़के बाहर निकलते हैं तो गेट पे स्कॉर्पियो भी नहीं होता है, वो फौरन दौड़ने लगते हैं, भागते भागते रास्ते में जाते हैं तो एक इंसान स्कूटी से जा रहा होता है, उसके ऊपर भी गोली चला दिया जाता है, वो इंसान गिर जाता है, उसके बाद उसके स्कूटी के लेकर वो दोनों फरार हो जाते हैं। इस पूरी मामले की जांच हो रहा है, इस पूरी मामले की जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है कि आखिर इस घटना को अंजाम किसने दिया, पुलिस इस घटना को अंजाम किसने दिया, ये जानकारी में जुटी हुई थी। तभी इस घटना के कुछ ही घंटों बाद एक फेसबुक अकाउंट से, एक फेसबुक आईडी से पोस्ट किया जाता है, जिस फेसबुक आईडी का नाम होता है रोहित गोदारा कपूरी। रोहित गोदारा कपूरी फेसबुक आईडी से ये पोस्ट किया जाता है कि इस घटना को अंजाम कोई और नहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग दिया है, और जितने भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दुश्मन हैं वो अपनी अर्थी अपने चौखट पे रखिएगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई किसी को नहीं छोड़ेगा। जब इस फेसबुक आईडी से इस पोस्ट को शेयर किया जाता है तो पूरे भारत में ये पोस्ट दौड़ने लगता है और खलबली मचा देता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का और ज्यादा खौफ बढ़ा देता है। फिलहाल पुलिस इस पूरी मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्या है सच्चाई, क्या नवीन शेखावत को पहले से पता था कि इन लड़कों को मैं लेके जा रहा हूं और ये जाकर ये गोलियों की बरसात कर देंगे, लेकिन नवीन ये बताने के लिए अब इस दुनिया में नहीं रहे। यहां जानकारी के लिए आपको बता दूं, इंडियन नंबर से सुखदेव सिंह शेखावत को धमकी दिया जा रहा था और विदेशी नंबर यानी पाकिस्तानी नंबर से भी सुखदेव सिंह शेखावत को धमकी दिया जा रहा था। सुखदेव सिंह शेखावत को पहले से आभास हो गया था कि हमें लॉरेंस बिश्नोई के लोग मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए सुखदेव सिंह शेखावत राजस्थान सरकार से भी गुहार लगा रहे थे कि हमें सिक्योरिटी प्रदान किया जाए, और पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगा रहे थे कि हमें सिक्योरिटी प्रदान किया जाए, लेकिन राजस्थान सरकार भी उनकी बात को नजरअंदाज कर देती है और पुलिस प्रशासन भी उनकी बात को नजरअंदाज कर देती है और उन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाता है, और इसी वजह से सुखदेव सिंह शेखावत मौत के शिकार हो जाते हैं। इस पूरी वारदात को सुनाकर किसी को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना और किसी को दुख पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।